हेलो स्टूडेंट, मैं गौरव कुमार वर्मा, डायरेक्टर ऑफ अपेक्स सेंटर फॉर कॉमर्स एजुकेशन। पिछली क्लास में मैंने आपको थ्योरेटिकल जो इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल के प्रोस्पेक्टिव्स थे वो आपको समझाए थे। आज की नई क्लास में मैं आपको इस इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल के प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। और आप बिल्कुल जो पिछली क्लास में जो हमने सीखा था उस चीज़ को बिल्कुल माइंड में रख करके ही इस चैप्टर को आगे पढ़ने का प्रयास करना, आपको ईजिली समझ में आएगा। सो लेट्स वी स्टार्ट द इशू ऑफ शेयर कैपिटल। देखिए, जो इशू ऑफ शेयर कैपिटल की जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग इसलिए किया जाता है क्योंकि अकाउंटिंग का काम बेसिकली रिकॉर्ड करना है। अकाउंटिंग का काम क्या है? रिकॉर्ड करना। तो बेसिकली जो अकाउंटिंग है उसमें हमें, यानी कि शेयर को इशू करने के दो पार्ट्स में, यानी कि इशू को, शेयर को इशू करने के दो तरीके हैं। इशू ऑफ शेयर करने के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या है? या तो हम शेयर को इशू इन कैश कर सकते हैं, दूसरा अदर देन कैश। आप कहेंगे सर अदर देन कैश कैसे हो सकता है और इन कैश कैसे हो सकता है? इन कैश का मतलब है कि मैंने एक कंपनी के, मैं डायरेक्टर हूँ, मैंने कंपनी के शेयर इशू किए और बदले में शेयर इशू करके लोगों से पैसा लिया। या दूसरी चीज़ क्या कही मैंने? अदर देन कैश। अदर देन कैश में ये हो सकता है कि मैंने किसी रनिंग बिजनेस को जो कि बंद हो गया है, मैंने उस बिज़नेस को परचेस कर लिया और उस व्यक्ति को जिसने बिज़नेस बंद किया उसको अपनी कंपनी में शेयर होल्डर बना लिया। यानी कि उसकी जो एसेट्स है उस एसेट्स को या उसकी लाइबिलिटीज़ को परचेस करके उसके बदले में अपने शेयर इशू करने को हम अदर देन कैश बोलते हैं। ठीक है। और कैश इशू करके, कैश मतलब कैश तो बेसिक आप जानते हैं कि भाई हमने कैश लिया और बदले में शेयर लिए, शेयर इशू किया उसके बदले कैश दे दिया। ठीक है। तो यानी कि इशू ऑफ शेयर्स में हमने एक तरफ तो लिया कैश और एक तरफ लिया एसेट्स या अदर लाइबिलिटीज़ या फिर लाइबिलिटीज़। इनको हम परचेस कर लेते हैं और बदले में शेयर इशू कर देते हैं। शेयर को इशू करने के दो तरीके हैं, मतलब एक तो मैंने को बताया इशू ऑफ शेयर टू बी क्लासिफाइड अंडर टू हेड्स, इन कैश और अदर देन कैश। इन कैश में हम कैश रिसीव करते हैं और अदर देन कैश में हम एसेट्स या लाइबिलिटी को रिसीव करके शेयर इशू कर देते हैं। इन कैश के दो पार्ट होते हैं, या तो शेयर इशू किया जाएगा लमसम, किसमें? लमसम। दूसरा पार्ट क्या होगा? इन इंस्टॉलमेंट। अब जैसे कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि हिंदुस्तान में जो लोग हैं अलग अलग क्लास से बिलोंग करते हैं, काफ़ी लोग जो है कोई मिडिल क्लास का होता है, कोई हायर क्लास होता है, कोई टॉप क्लास होता है, कोई लोअर क्लास होता है। हर व्यक्ति का मन यही होता है कि भाई वो अपने कुछ पैसे से कुछ कमा सके, कुछ आगे बढ़ सके। हर व्यक्ति का एक ऐसा नेचर है। तो अब जैसे मेरे जैसा इंसान है, अब वो क्या सोचता है कि यार ठीक है, मैं एक सर्विस क्लास में हूँ और लिमिटेड मेरी अपनी इनकम है, तो मैं चाहता हूँ कि भाई मैं भी किसी कंपनी में शेयर लगा के कुछ प्रॉफिट मैं भी कमा सकूँ। लेकिन मेरे पे इतना सारा पैसा नहीं है कि मैं एक साथ बहुत सारे पैसे का इन्वेस्टमेंट करके शेयर्स को खरीद सकता हूँ। तो अगर मैं बहुत पैसे वाला आदमी हुआ, मेरे पे काफ़ी सारे पैसे रिजर्व्स में पड़े हैं, तो डेफिनेटली मैं किस ऑप्शन में जाऊंगा? लमसम ऑप्शन में। लमसम में क्या होगा कि मैंने मान लीजिए 200 शेयर्स खरीदे जिसकी वैल्यू 100 रुपये ईच थी। एक शेयर की कीमत कितनी थी? 100 रुपये, जिसको हम फेस वैल्यू बोलते हैं। तो कितना अमाउंट हो गया? 20,000 रुपये। तो मैंने 20,000 रुपये इकट्ठे कंपनी को दे दिए और उसके बदले मुझे कंपनी ने पूरे 20,000 रुपये के शेयर एक पर्टिकुलर टाइम पे ही दे दिए, उसको कहेंगे शेयर इशू इन लमसम। यानी कि पूरा पैसा इकट्ठा देना लमसम होता है। लेकिन फिर दूसरी बात आई कि हर व्यक्ति इतना अमीर नहीं होता, हर व्यक्ति इतना पैसे वाले नहीं होता। तो कंपनी तो पब्लिक है ना, तो पब्लिक के हिसाब से चलना पड़ेगा कि सारे अगर सिर्फ अमीरों की बना ली कंपनी तो दिक्कत है, तो इसमें छोटे लोगों को भी जोड़ना है। तो हमने क्या किया, शेयर्स की फेस वैल्यू को डिवाइड कर दिया उनकी इंस्टॉलमेंट में, और इंस्टॉलमेंट का हमने क्या बनाया यहाँ पे, नाम बनाया। यहाँ पर ऐसा नहीं कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट फर्स्ट किस्त आ गई, सेकंड आ गई, थर्ड आ, ऐसा नहीं है। यहाँ पे इंस्टॉलमेंट आएगी इस तरीके से, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को हमने यहाँ पे, यानी कि 100 रुपये का एक शेयर है तो मैंने उसको डिवाइड कर दिया, तो पहली इंस्टॉलमेंट बनती है, उसका नाम होता है एप्लीकेशन मनी। दूसरी होती है अलॉटमेंट, तीसरा होता है आपका फर्स्ट कॉल, चौथा होता है आपका सेकंड एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी एंड सेकंड कॉल। यानी कि इस 100 रुपये को हम टुकड़ों में सामने वाले शेयर होल्डर से रिसीव कर रहे हैं, एक जो इकट्ठा पैसे दे रहा है, एक जो इंस्टॉलमेंट में दे रहा है। तो डायरेक्टर का इंस्टॉलमेंट बनाने का पर्पज़ क्या हुआ कि वो हर व्यक्ति को कंपनी के साथ जोड़ना चाहता है।
इसलिए वो इंस्टॉलमेंट में भी शेयर इशू कर रहे हैं और लमसम में भी दे रहे हैं। तो मान लीजिए 100 रुपये को हमने डिवाइड किया, 20 रुपये मैंने एप्लीकेशन पे ले लिए, 20 रुपये मैंने अलॉटमेंट पे ले लिए और बचे कितने, यहाँ पर मैंने 15 रुपये मैंने किस में ले लिए, फर्स्ट कॉल में। तो 20 और 20 40, 40 और 15 55, तो रिमेनिंग कितना रह गया, 45। तो 45 शेयर किस, 45 रुपीज़ मैंने किस पे रिसीव कर लिए, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे। तो 20 दूना 40 और 15 55 55 और 45, टोटल 100, यानी कि टोटल 100 रुपीज़ से ये इशू हो गया। ठीक है, तो ये तो हुआ लमसम में इकट्ठा पैसा लेना और एक इंस्टॉलमेंट में। लेकिन इसके अंदर भी हम और भी सारे पार्ट्स देखते हैं। जब शेयर लमसम इशू किए जाते हैं, लमसम, तो लमसम में भी हमें देखना पड़ता है क्या, एक होता है बेटा एट पार, एक होता है एट प्रीमियम। ठीक है, डिस्काउंट का केस आपके CBSE सिलेबस से डिलीटेड है और वो इसमें नहीं है इस साल, तो इसलिए आपको एट पार और एट प्रीमियम ही इसमें समझना है। ठीक है, एट पार का मतलब है जब 100 रुपये के शेयर को 100 रुपये में इशू किया जाए तो उसको एट पार बोलते हैं, और एट प्रीमियम का मतलब है कि 100 के शेयर को उससे ज़्यादा वैल्यू पे लिया जाए, यानी कि 110 पे। आप कहेंगे कि 110 पे कौन खरीदेगा, भाई सिंपल सी बात है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था वही दवाई वाला एग्जांपल आ रहा है। सेम देखिए, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया मैं उसी को आगे लेकर आ रहा हूँ, कि जो वही दवाई की जो एक मोनोपोली है मार्केट में, हर व्यक्ति जो है मेरी कंपनी में आकर के शेयर्स को खरीदना चाहता है, मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो ऑटोमेटिकली मेरी कंपनी की जो शेयर्स की डिमांड मार्केट में ज़्यादा है। तो शेयर की डिमांड मार्केट में ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली मैं अमाउंट भी उसमें ज़्यादा ले सकता हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति मेरे से जुड़ रहा है। तो ठीक है, डिमांड ऑफ सप्लाई जो रूल हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं यहाँ अप्लाई हो रहा है, उसकी वजह से मैं यहाँ पर उनसे 100 रुपये पर 10 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा हूँ। पर ये ध्यान रहे कि 10 रुपये है तो आपका प्रॉफिट, लेकिन इस 10 रुपये का इस्तेमाल लिमिटेड चीज़ों के लिए होता है, आप अपनी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ के लिए इस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है जी, लमसम। और इन इंस्टॉलमेंट में भी, इन इंस्टॉलमेंट में भी हमारे पे दो पार्ट आएंगे, एट पार और एक एट प्रीमियम। एट पार में भी वही 100 रुपये है, तो मैंने 100 रुपये को एप्लीकेशन अलॉटमेंट में डिवाइड कर दिया, प्रीमियम में 110 रुपये ले लिए। तो बेसिकली एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, देन सेकंड कॉल पे, सेकंड एंड फाइनल, फाइनल कॉल पे। तो एप्लीकेशन पे मुझे मिले 20 रुपये, अलॉटमेंट में मुझे मिले 20 रुपये, फर्स्ट कॉल पे मुझे 15 रुपये मिले और इस पे मिल गए मुझे 45 रुपीज़। तो यानी कि मेरा 100 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। और एट प्रीमियम पे जब मैं 110 रुपये ले रहा हूँ, तो एप्लीकेशन पे मैं ले लेता हूँ 20 रुपये, अलॉटमेंट पे मैं ले लेता हूँ 20 + 10 रुपये, यानी कि 30 रुपये। आप कहेंगे सर ये अलॉटमेंट पे ही आपने प्रीमियम क्यों लिया, क्योंकि जब एप्लीकेशन मनी रिसीव की जाती है, एप्लीकेशन मनी पर हम डिसाइड करते हैं कि कितना, जो कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो मुझे आगे की कंप्लीट कैपिटल दे सकते हैं। जब वो हम डिसाइड कर लेते हैं कि भाई ठीक है, जिन लोगों ने एप्लीकेशन दी वो आगे के लिए मेरे पैसे देने के लिए सही हैं या सही प्रस्पेक्टिव में हैं, तो ऐसे लोगों को फिर हम अलॉटेड, यानी कि उनसे नेक्स्ट कॉल्ड अप मनी अलॉटमेंट में मंगाते हैं, जिसमें हम प्रीमियम को इंक्लूड करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट पे ही लिया जाता है, पर मोस्टली आपके क्वेश्चंस में अलॉटमेंट को प्रीमियम पे, अलॉटमेंट के टाइम पे ही प्रीमियम लिया जाएगा। पर हम ऐसे क्वेश्चंस भी इसमें देखेंगे जहां पर हर कॉल्स में प्रीमियम डिवाइड होगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पे आ गया फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल मेरा 15 रुपये था, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे हम यहां पर पूरा 45 ले लेंगे। तो इसका टोटल करेंगे वो आपके 110 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका 110 के इक्वल आना चाहिए। सो दैट इज़ वाई नेक्स्ट जो हमारे पे चीज़ आ रही है, ये मैंने आपको दो पार्ट बताया, एक लमसम का बताया और एक आपका इन इंस्टॉलमेंट के बारे में बताया। ठीक है, तो एट पार में, लमसम में तो सारा पैसा किस पे लेना है, एप्लीकेशन, यहाँ तो क्योंकि सारा पैसा एप्लीकेशन पे दे दिया जाएगा इसलिए लमसम है, और एट प्रीमियम पे भी एप्लीकेशन पे ही सारा पैसा दे दिया जाएगा, तो ये कितना हो गया, 110 रुपये हो गया। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर कोई इंस्टॉलमेंट्स नहीं होती, यहाँ सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन पे ले लिया जाता है। अब इस बात से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि लमसम और इंस्टॉलमेंट में बेसिक अंतर किस चीज़ का है। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आती बात अदर देन कैश की। अदर देन कैश में बेसिकली क्या होता है कि हम एसेट्स या लाइबिलिटी को परचेज करते हैं, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को किसी दूसरी कंपनी से परचेज करते हैं और उसके बदले में हम उनको शेयर इशू कर देते हैं। मान लीजिए राज पब्लिक लिमिटेड ने
एक्स वाई जेड फर्म को परचेज कर लिया, ठीक है, इसने इसको परचेज कर लिया, इसकी कुछ क्या क्या चीज़ें थी, इसकी कुछ एसेट्स थी, क्या क्या एसेट्स थी, इसके डेटर संडी डेटर थे करीब करीब 1,00,000 रुपए के, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी कुछ मशीन्स परचेज कर ली 50,000 रुपए की, कुछ कंप्यूटर्स थे वो भी हमने इसके ले लिए 30,000 रुपए के कंप्यूटर थे, और फर्नीचर का सामान था जो कि करीब करीब 80,000 रुपए का था, और कुछ लाइबिलिटीज़ भी परचेज़ कर ली, यानी कि हमने कहा भाई एक्स वाई जेड हम तेरी लाइबिलिटी का पेमेंट कर देते हैं और एसेट्स तो परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने 30,000 रुपए की उसकी लाइबिलिटी भी परचेज़ कर ली। इन सब चीज़ों के बदले में हमने उसको कहा कि हम आपको शेयर इशू कर देंगे। हमने कहा जी कितने शेयर इशू कर देंगे, ये अभी हमारी कैलकुलेशन से पता लगेगा कि कितने शेयर उसको दिए जाने हैं। तो आइए बेसिकली क्या है कि अदर देन कैश में भी शेयर इशू किए जाएंगे इन लमसम, सेम वही जो हमने पीछे सीखा था, और इन इंस्टॉलमेंट इसमें भी हो सकता है, बट आपके जो 12th लेवल पर जो चीज़ें कराई जाएंगी उसमें मोस्टली हम इसको लमसम पे ही डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको थोड़ा एक लमसम का एक जो टॉपिक है जो इसको सिखाया जाता है, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि लमसम में कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले इन द बुक्स ऑफ राज पब्लिक लिमिटेड, इधर हम डेट का कॉलम खोलेंगे पर्टिकुलर LF, और इधर जो हम जनरल का फॉर्मेट बनाते हैं जो 11वीं में सीखा है आपने डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। अब इसमें सबसे पहली बात, राज लिमिटेड ने क्या परचेज किया, एसेट परचेज किया, किसकी, एक्स वाई जेड फर्म के इन एसेट्स को परचेज किया, तो रियल अकाउंट अप्लाई हो रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हमारे पे क्या आ रही है, एसेट्स आ रही है, तो एसेट्स का अकाउंट रियल होता है तो रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मेरे पे क्या आया, डेटर अकाउंट सन्ड्री डेटर अकाउंट डेबिट, मैं डेटर को डेबिट करूंगा, मेरे पे डेटर आ रहे हैं भाई, मशीन्स मशीनरी अकाउंट डेबिट, फिर कंप्यूटर आया कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, एंड क्या बचा लास्ट में, क्रेडिटर, तो क्रेडिटर तो मेरी लायबिलिटी है, तो क्रेडिटर यानी कि जब भी लायबिलिटी बढ़ती है तो हमेशा क्रेडिट होती है, डेबिट तो नहीं कर सकते ना लायबिलिटी को, तो टू सेंड्री क्रेडिटर, ये मेरे पास आ गया। अब टोटल अमाउंट कितना हुआ डेटर का, इसका हुआ जी 1,00,000 रुपया, इसका हुआ 50,000 रुपया, इसका हुआ 30,000 रुपया, इसका हुआ 80,000, और फर्नीचर डेटर 1,00,000 का, मशीन 50,000 की, कंप्यूटर 30,000 का, और फर्नीचर 80,000 रुपये का, तो टोटल वैल्यू आ रही है 1,50,000, 1,50,000, 1,80,000, 80 और 1,80,000, 290,000, यानी कि 290,000 टोटल एसेट्स का अमाउंट है, ये आप रफ में कर लेंगे, ठीक है, 290,000 टोटल एसेट्स हो गई। इस टोटल एसेट्स में आपकी लायबिलिटी कितने की है, 30,000 रुपये की, तो 30,000 आपकी लायबिलिटी आ गई, तो 30,000 मैंने इसमें से माइनस कर दिया, वैल्यू कितनी बच गई, 260,000, यानी कि एक्स वाई जेड लिमिटेड को हमने कितने पैसे देने हैं, एक्स वाई जेड फर्म को हमने क्रेडिट किया और उसके अकाउंट में 260,000 हमने उसको देना है, ये डिफरेंस आ गया, ठीक है। अब कंपनी ने बोला कि इसके बदले यानी कि 260,000 के बदले हम आपको 30,000 तो कैश दे देते हैं या 40,000 आपको कैश दे देते हैं, और 40,000 मैंने आपको क्या कहा कि 40,000 हम आपको कैश का पेमेंट कर देते हैं, तो बाकी यानी कि 260 में से 40 अगर कैश दे दिया तो उसके बाद कितना रह गया, 2,20,000 आपका रिमेनिंग बच गया, जिसके लिए कंपनी ने कहा कि 10 रुपीज़ का ईच एक शेयर है जो हम आपको एट पार इशू कर देंगे, एट पार इशू कर देंगे। कैलकुलेशन में टोटल एसेट्स की जो वैल्यू है वो 2,90,000 की जगह 2,60,000 है, वो थोड़ा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम रहा, तो 2,60,000 आपकी टोटल एसेट्स की वैल्यू है जिसमें आपकी लायबिलिटी हो गई 30,000, तो 2,60,000 में से 30,000 माइनस करते हैं तो हमारे पास जो रिमेनिंग हमारी जो वैल्यू बचती है वो 2,30,000, यानी कि 2,30,000 का पेमेंट हमें एक्स वाई जेड फर्म को करना है, तो मैं इसको यहाँ से चेंज कर देता हूँ, 2,30,000 हो गए, तो 2,30,000 के बदले हमने कहा कि हम 40,000 रुपये तो आपको कैश दे देते हैं, और बाकी रिमेनिंग जो अमाउंट बचता है यानी कितना बचता है, 1,90,000 रुपया रिमेनिंग बचा,
रिमेनिंग आपका कितना बच गया, 1,90,000। इस 1,90,000 के बदले आपको 10 रुपये के हिसाब से एक 10 रुपीज़ ईच के हिसाब से एट पार शेयर इशू कर देते हैं। तो ठीक है जी, उसके बाद उसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी वो देखिए। तो उसके बाद बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है, ये ब्रॉड फॉरवर्ड हमने बैलेंस किया पिछले से। और जो नेक्स्ट एंट्री हमारी बनी, हमने एक्स वाई जेड लिमिटेड को, फर्म को डेबिट टू कैश अकाउंट, हमने उसको पैसा दिया। टोटल कितना पेमेंट देना था हमने, 2,30,000, और उसके बदले हमने 40,000 उनको कैश दिया। ये एंट्री कैसे हुई, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि ऊपर वाले अकाउंट में पर्सनल अकाउंट लग रहा है, नीचे वाले अकाउंट में रियल अकाउंट लग रहा है। एंड देन उसके बदले हमने उसको टू क्या देने हैं, अब शेयर इशू करने हैं, तो टू शेयर कैपिटल। तो इसको वर्किंग नोट में जाएंगे और वर्किंग नोट में लिखेंगे कि कितने नंबर ऑफ शेयर देंगे, नंबर ऑफ शेयर का कैलकुलेशन कैसे होगा। तो नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालेंगे, लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू टोटल कितना अमाउंट देना है हमने, ड्यू कितना अमाउंट, ड्यू अमाउंट कितना है, ड्यू अमाउंट टू एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। तो हमें देना है उनको 1,90,000, 2,30,000 में से 40 दे दिया तो 1,90,000 बचा। एक शेयर की कीमत मैंने आपको कितनी बताई थी, एक शेयर की कीमत बताई थी 10 रुपये का एक शेयर है, तो 10 से डिवाइड कर दिया तो कितने बच गए, 19,000 शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स आपने एक्स वाई जेड फर्म को इशू करने हैं। तो कितने दे दिए, 90,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 1,90,000 आपका डेबिट क्रेडिट बराबर। और ये आपने अदर देन कैश में एट पार कैसे शेयर इशू किया जाता है लमसम मॉडल में आपने सीखा, ठीक है। मान लिया जाए मैं इसी क्लास में थोड़ा सा एक हल्का सा चेंज करता हूँ और ये बताता हूँ कि अगर यही केस आपके पास है और उसको प्रीमियम में अगर हमें इशू करना है तो कैसे करना है। मान लीजिए पूरा क्वेश्चन सेम है पिछले जैसे हमने सीखा कि भाई एक कंपनी ने मैं दोबारा बताता हूँ कि भाई राज पब्लिक लिमिटेड ने ये सारी एसेट्स खरीदी, बदले में उसको 2,30,000 हमने डिफरेंस निकाल लिया एसेट्स माइनस लाइबिलिटी करके, तो एक्स वाई जेड फर्म को हमने 2,30,000 पे करना था। 2,30,000 में से ये भी बात सही आ गई कि हमने 40,000 कैश भी दिया। अब मैंने इसमें क्या चेंज करना है कि मैंने इसमें अभी इसमें नया चेंज क्या किया कि जो 1,90,000 हमने उसको पे आउट करना है एक्स वाई जेड फर्म को, इसको मैंने कहा कि मैं आपको शेयर इशू करूंगा एट प्रीमियम, शेयर इशू करूंगा एट प्रीमियम, और प्रीमियम एट द रेट 12 रुपये, यानी कि 10 रुपये से 2 रुपये ज़्यादा। तो अब अगेन हमें नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे क्योंकि अमाउंट चेंज हो गया। तो नंबर ऑफ जो शेयर्स हैं कितना हो गया, टोटल ड्यू कितना था, 1,90,000, हमारे शेयर की वैल्यू कितनी आ गई, 12 रुपये, ठीक है। तो 12 से डिवाइड कर देंगे इसको नंबर ऑफ शेयर्स को, तो हमारे पे टोटल वैल्यू आ जाएगी। टोटल वैल्यू आ गई 1,90,000 डिवाइडेड बाय 12, 15,833.3, ये नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, 15,833 ये नंबर ऑफ शेयर्स आए। इन नंबर ऑफ शेयर्स को मैंने क्या करना है, अब इशू करना है। तो पहली एंट्री वही मैंने आपको बताई, एक्स वाई जेड फर्म अकाउंट डेबिट टू कैश टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। रिजर्व अकाउंट, ठीक है, हमने कितना देना था, 1,90,000 रुपये देना था, 40,000 मेरे से यहाँ से कैश गया। अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए, 15,833 मल्टीप्लाई बाय शेयर कैपिटल में कितनी वैल्यू आएगी, 10 रुपये का, हमेशा जो फेस वैल्यू होते हैं शेयर कैपिटल में उसी वैल्यू को दिखाया जाता है, यानी कि 10 रुपये फेस वैल्यू हो गई, 15,833 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसको अमाउंट लिखेंगे तो आपकी टोटल वैल्यू आ जाएगी, ये आ गया आपका 15,833
पॉइंट थ्री था तो थ्री हो जाएगा, 158,333 और मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ गया 3166.66। तो ये टोटल आपकी वो अमाउंट आ गई जो आपने इशू करनी थी एट प्रीमियम, तो इसको कहेंगे एट प्रीमियम इशू करना। तो एक ही क्वेश्चन से मैंने आपको उसके वेरियस एस्पेक्ट दिखाए कि पर्टिकुलरली एक तो जब हमने शेयर इशू किया एट पार, दूसरा मैंने किया एट प्रीमियम। अब एट पार एट प्रीमियम के बाद एक इसमें एक नई चीज़ और अप्लाई हो जाती है। देखिए ये पूरा अदर देन कैश का टॉपिक यहाँ पर मैं एक तरह से लास्ट उस पर हूँ, तो ये ख़त्म ही हो जाएगा, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ आगे। नाउ अनदर वन, वी आर स्टार्टिंग द न्यू क्वेश्चन, ठीक है। मान लिया जाए एक कंपनी की एक्स वाई जेड एक कंपनी है, लिमिटेड है, इन्होंने आरएम लिमिटेड को परचेज कर लिया। इस कंपनी को परचेज किया है, ठीक है, और बदले में कुछ एसेट्स हैं जिनको इन्होंने परचेज किया। एसेट्स कौन कौन सी, टोटल इन्होंने सन्ड्री एसेट्स हमें दे रखी है, उस टोटल सन्ड्री एसेट्स की वैल्यू आ रही है 240,000 रुपये, और लाइबिलिटी भी परचेज की हैं, कुछ सन्ड्री लाइबिलिटीज़ भी हैं जिसकी वैल्यू आ रही है 30,000, ठीक है। एक्स वाई जेड लिमिटेड के हिसाब से जो आरएम लिमिटेड को हमने पेमेंट करनी है कि भाई 240,000 के एसेट की 30,000 की लाइबिलिटी परचेज की, तो यानी कि 210,000 का हमने उनको पेमेंट, हमने शेयर इशू करना है या पेमेंट देनी है। इस 210,000 पेमेंट के बदले कंपनी कह रही है कि आपको कंसिडरेशन के तौर पर हम आपको 20,000 रुपये तो कैश पे कर देंगे, 20,000 रुपये क्या कर देंगे, कैश पे कर देंगे, और बदले में आपको 220,000 के शेयर इशू कर देंगे, शेयर्स देंगे। आइए अब इसकी थोड़ी जनरल एंट्री को समझते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम, हमने एसेट्स परचेज किए, हमारी कंपनी का नाम है एक्स वाई जेड लिमिटेड, हम किसकी बुक्स में काम कर रहे हैं, एक्स वाई जेड लिमिटेड की बुक्स में, इन्होंने एसेट परचेज किए, तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट रुपीज़ 240,000 टू सन्ड्री लाइबिलिटी 30,000, ठीक है। अब हमने जो पेमेंट, जो कंसिडरेशन पे करना है, वो कंसिडरेशन कितना है जी, टू आरएम लिमिटेड को हमने जो पेमेंट करनी है वो करनी है 220,000 रुपये। मतलब हमने कहा कि भाई हम आपको कैश भी दे देंगे 20,000 रुपये, कंट्रीब्यूशन जो आप कर रहे हैं उसके लिए आपको 20,000 रुपये कैश देंगे और 220,000 रुपये की, या ऐसा करते हैं ये 20,000 रुपये जो कैश है इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, और सिर्फ इतना रखते हैं कि 240,000 का एसेट खरीदा 230,000 की, तो बदले में हमने इनको 220,000 ऑफर किया, यानी कि हम यहाँ पर लिख देते हैं 220,000। अब इस 220,000 के अकॉर्डिंग हम देखें तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 250,000 और डेबिट में आ रहा है 240,000 रुपये, यानी कि 10,000 रुपये हम उनको एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। तो जो 10,000 रुपये एक्स्ट्रा है वो क्या कंसीडर होता है, इट्स गुडविल। तो हमने इसका मतलब क्या परचेज किया, 10,000 रुपये का इज अ गुडविल परचेज किया, तो डेबिट क्रेडिट आपका इक्वल हो जाएगा। फिर हमने कहा कि आरएम लिमिटेड को हम जब पेमेंट करेंगे 220,000 में से, हमने 220,000 में से 20,000 रुपये का उनको कैश पे कर दिया, ठीक है। तो कंसीडरेशन कितना आया, 20,000 रुपये तो कैश पे कर दिया, तो आरएम लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश कितना पे किया हमने, 20,000 मैंने कैश पे किया, और बचा कितना, जब 220,000 टोटल देना था जिसमें से 20,000 मैंने कैश पे कर दिया टोटल ड्यू में से, तो 190,000 2,00,000 यानी कि 2,00,000 रुपये मेरे पास रिमेनिंग बच गए। मैंने 2,00,000 रुपये का के बदले उनको शेयर इशू कर दिए, नंबर ऑफ शेयर, तो मैंने क्या कहा कि एक्स वाई जेड लिमिटेड ने 10 रुपीज़ ईच के हिसाब से इनको शेयर इशू करने हैं, तो 2,00,000 डिवाइडेड बाय 10 रुपीज़ ईच, दैट इज 20,000 शेयर्स। तो कितना एंट्री हो जाएगी, आर एम लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल
अकाउंट 20,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आपके नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, दैट इज़ योर नंबर ऑफ शेयर्स 20,000। राइट स्टूडेंट्स, तो दैट इज़ कि एक तो केस ये है कि जिसमें हम कंसिडरेशन हम देख रहे हैं कि भाई हमने टोटल पेमेंट करना था 2 लाख, हमने 2,40,000 के एसेट्स परचेज किए, 30,000 की लाइबिलिटी, 2,20,000 हमने कंसिडरेशन निकाला। लेकिन जब हम एक्चुअल कैलकुलेशन करते हैं कि एसेट्स की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, 2,30,000 रुपये आ रही है, टोटल एसेट 2,40,000 की है, 30 लाइबिलिटी पे करने के बाद हमारा कंसिडरेशन बनता है 2,10,000 रुपये, लेकिन बदले में हम पे कर रहे हैं 2,20,000 रुपये, जो 10,000 रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वो 10,000 रुपये एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो किसका है, गुडविल का है। उसके बाद हमने उसको कैश पे किया और ये आ गया आपका आरएम लिमिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, गॉट इट। चलिए इसके बाद इसी के अंदर एक केस और है और इस क्वेश्चन के बाद ये वाला टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आइए इसके बाद जो इसी क्वेश्चन में हम ले लेते हैं कि मान लीजिए इस कंपनी ने सन्ड्री जो एसेट्स है वो परचेज किए थे कितने के, अकाउंट डेबिटेड कितने के परचेज किए, पिछले क्वेश्चन में ये हमने परचेज किए थे 2,40,000 रुपये के, टू सन्ड्री लाइबिलिटी, हमारी लाइबिलिटी कितने की परचेज हुई है, 30,000 रुपये की, एंड टू आरएम लिमिटेड। क्वेश्चन वही है, बस इसमें मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, जो कंसिडरेशन अमाउंट है वो मैंने चेंज करना है। कंसिडरेशन अमाउंट 2,40,000 माइनस 30, हम कैसे निकालते हैं, एसेट्स का टोटल 2,40,000, लाइबिलिटी का टोटल 30,000, माइनस किया कितना, 2,10,000, ठीक है। 2,10,000 के बदले कंपनी कह रही है कि हम आपको 1,90,000 रुपये देंगे, यानी कि आप सामान तो खरीद रहे हैं 2,10,000 का, बट लेकिन बदले में पेमेंट कर रहे हैं 1,90,000, तो यहाँ पर आरएम लिमिटेड कितना आ गया, 1,90,000, क्योंकि कंसिडरेशन अमाउंट कितना लिखा है क्वेश्चन में, आपको दे रखा होगा कि कंसिडरेशन आप 1,90,000 पे कर रहे हैं अगेंस्ट 2,10,000, तो 1,90,000 रुपये आपका आरएम लिमिटेड में आ गया 1,90,000। लेकिन हम डेबिट क्रेडिट देख रहे हैं तो 1,90,000 और 30 मिला के होते हैं कितने हो गए, 2,20,000 रुपये, लेकिन आपको पेमेंट आपकी एसेट्स और लाइबिलिटी जो डेबिट क्रेडिट साइड है वो टैली नहीं हो रही, तो जो 20,000 रुपये का यहाँ पे 1,90,000 और 30, इसका टोटल कितना हुआ, 2,20,000 रुपये, और ऊपर कितना है 2,40,000, यानी कि 20,000 रुपये से आपकी जो कमी हो रही है क्रेडिट साइड में, वो जो डिफरेंस है वो किससे माना जाएगा, टू कैपिटल रिजर्व, यानी कि 20,000 रुपये आपका क्या माना जाएगा, ये कैपिटल रिजर्व, आपको एक तरह से फायदा हो गया, कैपिटल गेन हो गया, और जो भी कैपिटल गेन्स होते हैं वो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट होती है। ये दोनों जो टर्म्स गुडविल और कैपिटल रिजर्व के बारे में आपको बता रहा हूँ, ये एक तरह से इस क्वेश्चन में हिडन थी, तो जिसको हमने इस तरह से फाइंड आउट करना होता है। इसके बाद सेम वही बात आ जाती है कि कंपनी ने क्या बोला था कि कितनी पेमेंट करेंगे हम कैश में, हमने बोला था कि हम कैश में आपको 20,000 रुपये देंगे जब पेमेंट का टाइम आएगा, तो आरएम लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना, 20,000। अब यहाँ देखते हैं, इसको हम दो तरीके से भी कर सकते हैं, एक तो ये कि आरएम लिमिटेड टू कैश करें और फिर आरएम लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। तो कितना हुआ शेयर कैपिटल, 1,90,000 में से 20 दे दिए, तो 1,70,000 के बदले आपको शेयर इशू करने थे, जिसका हमने कैसे निकालना है कि नंबर ऑफ शेयर निकालने की, सीधा अगर एट पार इशू किया तो नंबर ऑफ शेयर कैसे आएंगे, 1,70,000 डिवाइडेड बाय एक शेयर की कीमत 10 रुपये ईच थी, तो 17,000 शेयर्स आ गए, तो हम क्या लिखेंगे, 17,000 मल्टीप्लाई बाय 10, आपके पास वैल्यू आ गई। अच्छा दूसरी क्या है, इसको कंबाइंड भी कर सकते हैं, अगर इसके हम ऑल्टरनेटिव में देखें, एक ही एंट्री पास करके दोनों एंट्री एक साथ में आ सकती हैं, ऑल्टरनेटिव ये है कि आरएम लिमिटेड अकाउंट डेबिट के लिए टू कैश एंड टू शेयर कैपिटल, आरएम लिमिटेड को 1,90,000 देना है, 20,000 मैंने कैश दे दिया और बाकी जो 17,000 थे वो 17,000 के लिए मैंने उनको शेयर इशू किया, 17,000 इंटू में 10, 1,70,000 रुपये मेरे यार, आपका डेबिट क्रेडिट बराबर भी हो गया, जनरल एंट्री आपकी एक साथ कंबाइंड हो गई, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ जो अदर देन कैश का जो टॉपिक है यहाँ पर ख़त्म होता है। अदर देन कैश में कंपनी शेयर इस तरह से इशू करती है, और अगर उनको कोई कैपिटल गेन होता है, कैपिटल गेन का मतलब होता क्या है कि जब कैपिटल गुड्स को बेच करके जो प्रॉफिट कमाया जाता है, कैपिटल गुड्स के एसेट्स, एसेट्स को बेचा उसके बदले आपको प्रॉफिट आया, तो उन प्रॉफिट्स को कहाँ रिकॉर्ड करा जाएगा, कैपिटल रिजर्व में।
यानी कि आपको इन अदर देन क्वेश्चंस करते समय पे एक चीज़ का ध्यान रखना है। पहला तो ये कि जब एक कंपनी जितना अमाउंट एसेट्स और लाइबिलिटी के डिफरेंस से देखा जाता है, अगर वो अमाउंट कंसिडरेशन उस अमाउंट से कंसिडरेशन ज़्यादा पे किया जा रहा है तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो गुडविल है। यानी कि अगर हमें 2,20,000 रुपये कंपनी को, यानी कि जिस परचेजर कंपनी उसको हमने पे करने हैं, लेकिन बदले में हम उनको 2,50,000 रुपये दे रहे हैं, तो जो 30,000 रुपये का जो एक्स्ट्रा अमाउंटेड पार्ट कॉल्ड गुडविल। और अगर कंसिडरेशन में हमने कहा कि 2,20 की पेमेंट आपको देनी थी लेकिन बदले में हम 1,90 दे रहे हैं, तो इसका मतलब है 1,90 2,20 के सामान को हम 1,90 में परचेज कर रहे हैं, तो 30,000 का हमारा कैपिटल गेन है, जिसको 30,000 को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ एक अदर देन कैश का टॉपिक जो यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।